नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथेस के नायक में। और हमारा सेशन जो चल रहा था वो आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए था, जिसमें हम मैथ्स के टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं और 80-85% का सिलेबस मैथ्स का कवर हो चुका है। 4-5 टॉपिक या ज़्यादा से ज़्यादा 6 टॉपिक आप मान लीजिए, इतने ही अपने बचे हैं, हम उन्हें जल्दी से कवर कर लेंगे। एग्ज़ाम डेट अभी कोई फाइनल नहीं हुई है, तो एग्ज़ाम मान लीजिए आपके पास 1 से 1.5 महीना है, तो आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें और चीज़ों को समझें। सभी पोर्शन को कंप्लीट करना चाहिए, रीजनिंग का हो चाहे मैथ्स का हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे जीके का, चाहे कंप्यूटर का, चाहे करंट जीके का, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। ऑल ओवर सारे के सभी के अंदर आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर आप रैंकिंग कर पाओगे एनटीपीसी के अंदर। और सैटरडे संडे को हम कुछ जीके के टॉपिक पे डिस्कस करते थे, अभी हमने रीजनिंग के टॉपिक पे डिस्कस किया, पजल जैसे कंप्लीट कर लिया था, आप उसी को भी देख लीजिएगा। और आज हम मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मंडे है और मंडे को हम बेहतरीन तरीके से एक मज़ेदार टॉपिक मैथ्स का उठाते हैं। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, रेशो से रिलेटेड है, एज यानी आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में हम पढ़ते हैं। और काफ़ी डिमांड भी थी स्टूडेंट्स की कि एज रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएँ, क्योंकि एज के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को पड़ेंगे और एज के क्वेश्चन आपको मैथ के अंदर भी देखने को पड़ सकते हैं। तो दोनों ही सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है एज के टॉपिक, इसलिए मैं आज एज को करवाऊंगा, ठीक है। एज के क्वेश्चन करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट जान लेते हैं, चीज़ों को हम आसान बनाएंगे और आपको मैं ईजी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। तो नो डाउट आपने पहले कैसे पढ़ा होगा ट्रिक से, फॉर्मूले से, लेकिन हम आज बिल्कुल एक अलग वे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका, और साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, और जो बच्चे नए हो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक लगा लेते हैं एज, ठीक है। एज यानी आयु संबंधी प्रश्न के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एज ही फाइंड आउट करनी होती है कि फ्यूचर में कितनी है, पास्ट में कितनी है और प्रेजेंट में कितनी है। तो 3 आपके पास टाइम होंगे यहाँ पर, तो एक तो आपका प्रेजेंट होगा, क्या होगा प्रेजेंट, और उससे पहले क्या था आपका पास्ट, और उसके बाद में आता आपका फ्यूचर, ठीक है। तो 3 एज आपको फाइंड आउट करने, और तीनों में से कोई से भी आपसे फाइंड आउट करा सकता है। रेशो के मेथड के ऊपर सारा प्रोसेस चलने वाला है। तो हमेशा दारकना कंसेप्ट समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई प्रेजेंट के अंदर एक्स और वाई के अंदर रेशो दे रखा है, एज का एक्स और वाई का रेशो दे रखा है प्रेजेंट के अंदर। अगर हमसे जब भी ये पूछे कि आप पीछे जाओ, पास्ट में जाओ, या 5 साल पहले बताओ या 5 साल पूर्व बताओ, तो हमेशा आपको क्या करना है यहाँ पर कि 5 साल पहले का मतलब हुआ कि हम पीछे चले जाएंगे, कितना 5 साल। तो पीछे जब भी जाते हैं तो माइनस कर देंगे, तो यानी जब पीछे जाएंगे तो इसमें से 5 साल माइनस कर देंगे, तो इसके x माइनस 5 और इसकी y माइनस में 5। इतनी बात समझे होगी आप, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि 5 साल बाद बताओ, तो 5 साल बाद जाएंगे तो इसके अंदर जो आगे के जो साल हैं वो एड हो जाएंगे, ठीक है, वाई प्लस में 5। तो समझे इस बात को कि प्रेजेंट में कोई भी आपको एज दे रखी है, प्रेजेंट में आपको कोई भी एज दे रखी है, तो इसका मतलब है कि अगर उससे पीछे जाएंगे कितने साल, तो वो उतने साल हम माइनस कर देंगे, और जितने साल हमें आगे का बोलेगा तो हम उतने साल उसके अंदर जोड़ देंगे। बस यही प्रोसेस करनी है। अब आपको ये पूछे कि पास्ट के अंदर दे रखा होता है, रेशो दे रखा होता है, और प्रेजेंट में हमसे पूछे, तो हम क्या करेंगे, पास्ट से प्रेजेंट की ओर चलेंगे। तो आपको पता है जब यहाँ से प्रेजेंट में आएंगे, ये यहाँ से अगर फ्यूचर में आएंगे, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा कि जो आगे के जितने साल हैं वो पास्ट के एज में काउंट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो इस बात को। अगर यहाँ से हम अगर फ्यूचर से हमें प्रेजेंट में जाना हो या फ्यूचर से हमें पास्ट में जाना हो, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जितना रेशो दे रखा है और जितना पीछे जाना है, तो हम उतना रेशो में से वो माइनस कर देंगे। समझे इस बात को। बस यही इसका कंसेप्ट है और कुछ नहीं, इसी के बेसिस के ऊपर सारे क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो अभी ये आई थिंक आपको समझ ना आए, लेकिन क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा तरीके बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, और बिल्कुल सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया, आप इजीली से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलते हैं फिर कि ए बी की आयु का जो रेशो दे रखा है, ए और बी है, उनकी जो आयु का अनुपात हमें दे रखा है वो 3:2 दे रखा है, और बोला गया कि ए है वो बी से 5 साल बड़ा है।
पाँच बड़ा है, यानी पाँच साल बड़ा है, ठीक है। तो हमें बताने कि बी की आयु कितनी है। तो सिंपल सी बात इसमें हमें दे रखा है कि ए बी का जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है, और इनकी जो आयु का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। लेकिन इनका आयु का एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, आप अगर देखोगे एक्चुअल में कितना है, 1 यूनिट है, 1 ना होकर कितना है, 5 है, यानी कितने गुणा हो गया, 5 गुणा। तो बी की आयु जब पूछी तो बी की आयु भी क्या हो जाएगी इसकी, 5 गुणा, यानी 10 वर्ष हो जाएगी। ये लीजिए सिंपल वे में का क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए सीधा जल्दी से हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ क्लियर कर लेता हूँ, उसको समझा देता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। एक बात बताओ कि आज एक पिता है, एक पिता की आयु मान लीजिए 10 वर्ष है, कितनी वर्ष है, एक पिता की आयु 10 वर्ष है, और उसकी पुत्र की आयु कितनी है, उसकी पुत्र की आयु 5 वर्ष है, समझ पा रहे हो इस बात को, या 2 वर्ष मान लेते हैं, 2 वर्ष, ठीक है। तो वर्तमान के अंदर दोनों की जो आयु है इतनी इतनी है, लेकिन इन दोनों को आयु का अगर डिफरेंस देखोगे तो 8 साल का अंतर है, यानी पिता है वो 8 साल बड़ा है, या पुत्र है वो 8 साल छोटा है, यही तो डिफरेंस है। अगर मैं ये बोलूं कि 5 साल बाद बताओ कि 5 साल बाद इनकी आयु का डिफरेंस आपसे पूछेगा, आयु का अंतर बताओ 5 साल बाद, तो आप कह सकते हो कि आयु का अंतर कितना होगा, यानी आप ये बात तो जानते हो कि बराबर साल में, यानी 5 साल बाद अगर पिता की जितनी आयु बढ़ेगी उतनी ही उस कंडीशन के अंदर 5 साल बाद पुत्र की भी बढ़ने वाली है। तो जब वर्तमान में रेशियो अंतर था, दोनों का आयु 8 वर्ष था, तो 5 साल बाद भी 8 ही वर्ष रहेगा, कितना रहेगा, 8 वर्ष रहेगा, चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि 5 साल इसकी बढ़ेगी तो 5 साल पुत्र की तो बढ़ने वाली है। अगर 5 साल पूर्व पूछता डिफरेंस, तो डिफरेंस भी पूर्व भी कितना होता, 8 वर्ष, यानी आप देखते हो कि आप अपने पिता और आप खुद की आयु देखो, दोनों की आयु का सेम डिफरेंस होगा। अगर आपकी आयु 1 साल बढ़ती है, इसका मतलब आपके पिता की भी 1 साल बढ़ रही है, यानी दोनों को आयु का डिफरेंस हमेशा समान रहेगा, चाहे 5 साल पहले पूछे या 5 साल बाद। हो सकता है कि पिता की 5 साल बाद और पुत्र की 6 साल बाद, तो डिफरेंस हम कह सकते हैं, लेकिन दोनों का ही साल समान है, 5 साल बाद पिता की भी है और 5 साल बाद पुत्र की भी है, तो दोनों की आयु का जो डिफरेंस हमेशा समान रहेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया, अब इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो भाई हैं, ठीक है, मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं, उनकी जो आयु का अनुपात है वर्तमान में, यानी यहाँ देखूंगा अगर पी से क्या लिखूँ, प्रेजेंट में जो आयु है वो 1:2 है दोनों भाइयों की, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछ रहा है कि 5 साल पूर्व, यानी 5 साल पूर्व का मतलब पीछे चला गया 5 साल, तो यानी पास्ट में चला गया, तो पास्ट में कितनी है इनकी एज, पास्ट में इनकी एज 1:3, समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। यानी अब देखो, मैंने अभी बताया कि पुत्र की 5 साल बाद और पिता की 5 साल बाद बराबर रहेगी डिफरेंस, तो यहाँ पर देखो 5 साल पहले चला गया, कितने साल चला गया, 5 साल पहले चला गया, तो अगर डिफरेंस देखो वर्तमान में 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1 है, लेकिन 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, तो आयु में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 साल पहले पूछा, देखो यहाँ से गया तो 5 साल पीछे चला गया, कितना चला गया, 5 साल पीछे चला गया, समझ पा रहे इस बात को, तो एज का जो डिफरेंस है वो समान रहेगा दोनों का। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इनकी एज का डिफरेंस समान करना, तो डिफरेंस समान करें तो इसको तो 1 से मल्टीपल कर देंगे और इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो 1 से करो तो इनका रेशियो अंतर 2 आ रहा है, इसका अंतर भी 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, समझ पा रहे हो इस बात को, यानी इसको अगर 2 से मल्टीपल इसको भी करना पड़ेगा 2 से इसको, तो ये आपका 2 और ये 4 आ गया, तो नया रेशियो तो 2:4 आ गया आपका, ठीक है, और पहला रेशियो इधर वाला आ गया। अभी इस रेशियो का कोई काम नहीं रहा, समझ पा रहे, एक बार दोबारा लिख देता हूँ समझाने के लिए, ये आपका पास्ट का रेशियो क्या आ गया, 1:3, और प्रेजेंट का रेशियो क्या आ गया, 2:4, इतनी बात समझे, ये कंसेप्ट ध्यान से समझो, इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैंने क्या किया, जो रेशो दे रखा था वो तो लिख लिया, उसके बाद में इनकी एज का डिफरेंस चेक किया, क्योंकि 5 साल दोनों का 5 साल पहले पूछा है बताया, तो डिफरेंस समान कर लिया, तो नया रेशो आ गया। अब देखो अब आगे क्या प्रश्न बोल रहा है, तो हम देखेंगे कि आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है, चलो ये बात की बात है, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा 5 साल बाद, यानी वर्तमान में अगर एज हमें पता चल जाए तो उनकी 5 साल बाद हमें बतानी है, लेकिन वर्तमान में एज रेशियो के अंदर है तो पर्टिकुलर रेशियो में भी आंसर नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर पास्ट में 1:1 था और प्रेजेंट में 1 है, समझ पा रहे इस बात को, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया, आप कहोगे सर दोनों का डिफरेंस जो आया 1 यूनिट का आया, 1 यूनिट का डिफरेंस कब आया,
तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रेजेंट से पास्ट में गए तो एक यूनिट का डिफरेंस आ गया, वो पाँच साल में आ गया। अगर पास्ट से फ्यूचर में, पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तो एक से दो हो रहा है, यानी एक यूनिट का फर्क आ रहा है, तो एक यूनिट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पाँच साल बाद पूछा है, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है? पाँच वर्ष है। समझ पाए इस बात को, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? पाँच वर्ष है। क्योंकि एक यूनिट तभी बढ़ी जब पाँच साल बाद आए, और एक यूनिट कम कब हुई? जब पाँच साल पीछे चले गए। तो हमेशा यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो प्रेजेंट में हम एज निकाल सकते हैं, तो दो यूनिट की कितनी हो जाएगी? दस वर्ष। समझ पा रहे इस बात को? और यहाँ पर देखोगे चार यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बीस वर्ष। यानी जो वर्तमान में एज है वो दस वर्ष है और 20 वर्ष है दो भाइयों की। अगर अब हमसे पूछा कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पूछा तो 5 5 और जोड़ दो, इसमें प्लस 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 वर्ष, और इसको प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 25 वर्ष। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो, यानी 15 और 25 का डिफरेंस कितना का? 5 थी 15, 5 5 25, तो 3:5 आपका फ्यूचर में जो रेशियो पूछा गया था वो आपका आंसर आ गया। समझ पाए इस बात को? यानी कुछ नहीं किया, सबसे पहले डिफरेंस को बराबर किया, उसके बाद में देखा कि पास्ट से फ्यूचर, पास्ट से प्रेजेंट में जो कितने का अंतर आया, वो कितने का अंतर, जितने साल के बाद पूछा जाएगा वो अंतर आता है, या पूर्व में 5 साल, ठीक है। जब एक यूनिट की वैल्यू निकल गई तो प्रेजेंट एज हम निकाल लेते हैं। अब प्रेजेंट एज में क्या पूछा गया? 5 साल बाद, तो 5 साल और एड कर देंगे, दोनों की एज का जो रेशियो वो आपके सामने आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट, अगर आपने ये सीख लिया तो सारे क्वेश्चन इससे आप सोल्व कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं कुछ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। देखो कि वर्तमान में पिता व पुत्र की आयु 100 वर्ष ही हो गए, यानी वर्तमान में पता नहीं कितना उनका रेशियो है, कितनी उनकी आयु है, लेकिन उनकी आयु का योग कितना है? 100 वर्ष है। तो अगर हमें यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर मैं मान लूँ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में हमें नहीं पता है, मान लेते हैं ये प्रेजेंट में रेशियो आ गया, ये पिता का आ गया, ये पुत्र का आ गया, मान लीजिए ये कितना किसका है? पिता लिख दिया मैंने, ये पुत्र लिख दिया, तो लेकिन इनके जो योग है, इनका योग कितना है? 100 वर्ष है। समझ पा रहे हो? जो क्वेश्चन ने बोला मैंने वही लिखा, ठीक है। अब बोला कि 5 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, 5 साल पूर्व पूछे, तो समझ पा रहे हो? 5 साल पूर्व, तो यानी 5 साल पूर्व का मतलब पीछे चला गया 5 साल, तो 5 साल पिता में भी माइनस होगा, 5 साल पुत्र में भी माइनस होगा, लेकिन दोनों का योग 5:5 होगा, तो 10 वर्ष पीछे माइनस होगा कि नहीं होगा? योग तो कितना आ जाएगा? 90 वर्ष, लेकिन रेशियो कितना दे रखा है? पास्ट का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? आप देख पा रहे हो 2:1 का रेशियो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान पिता और पुत्र की आयु का 100 वर्ष योग रहा होगा, तो 5 साल पहले कितना था? क्यों 5 साल पहले पिता के भी 5 साल पीछे जाएगा और पुत्र भी 5 साल पीछे, लेकिन दोनों का योग 5 और 5 10 साल पीछे जाएंगे, या 100 वर्ष तो या 90 वर्ष हो जाएगा, तो यानी अब इनका जो योग है वो 90 वर्ष हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो सिंपली बात है, हमें 10 साल बाद बतानी है, तो 10 साल तो यहाँ ये एज वर्तमान पता लगे तभी तो 10 साल ऐड करेंगे, तो यानी 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप देख रहे हो 3 की वैल्यू अगर 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी गुणा होगी? 30 गुणा होगी। कितनी गुणा होगी? 1 यूनिट की वैल्यू जब 30 गुणा है, समझ पा रहे हो इस बात को? तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर लिख दूँ, मैं या सीधा ही कर देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 पिता की 60 वर्ष आ जाएगी, इसको करेंगे तो 30 वर्ष आ जाएगी। समझ पा रहे हो इस बात को? तो 10 साल बाद पूछिए, तो 10 साल बाद बताओ, 10 साल बाद का मतलब क्या हो गया इनके पुत्र की आयु का? तो 10 साल का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर सॉरी 90 और 30, तो 5 इसमें ऐड होगा, सॉरी ठीक है ये गलती होगी थोड़ी सी, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, 60 और 5 साल ऐड होगा तो ये 65 होगा, ठीक है ना, ये 65 होगा, ये 30 यहाँ था और 30 से 5 जुड़ेगा तो 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35। अब 10 साल अब ऐड करना है, कितना करना है? 10 साल हमें ऐड करना है, तो 10 साल ऐड करेंगे तो 10 10 जोड़ दो आप, ये आपका 75 हो जाएगा रेशियो, और इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। नया रेशियो क्या आ गया? 15 5 75, 15 3 45, तो 5 और 3 रेशियो आपका आ गया, ठीक है, 5 और 3, 15 5 75 होते ना, 15 3 45, तो ये आपका सिंपली आंसर आ गया। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस दिमाग लगाना था कि यहाँ आप क्या करते, यहाँ मुझे पता है आप क्या करते, यहाँ आप 95 लिख दे कि 5 साल पहले गए तो 5 साल पीछे कर देते, लेकिन भाई 5 साल पिता भी पीछे जाएगा तो 5 साल पिता की भी होगी, पुत्र कहाँ जाएगा उसका भी 5 साल, लेकिन दोनों का टोटल 10 वर्ष पीछे जा रहे हैं, तो इसको मतलब 10 घटा के 90 हो जाएगा। समझ पाए इस बात को? एक यूनिट की वैल्यू इसको इससे 30 60, लेकिन 5 65
30 प्लस 5 35, 10 10 और जोड़ दिया, क्वेश्चन ने बोला था 10 साल बाद बताओ। समझ पाए इस क्वेश्चन को? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं कुछ आगे। नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चार साल पूर्व ए बी की जो आयु का रेशियो वो 11:14 आपको दे रखा है, और फिर कह रहे हैं कि 4 साल बाद ए बी का आयु का अनुपात 13:16, तो ए की वर्तमान आयु बताओ। तो किससे पहले और किससे बाद में, तो ध्यान रखना वर्तमान से पहले और वर्तमान के बाद यहाँ बोला गया, लिखा नहीं गया, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है, समझना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि पास्ट में कितना रेशियो है, अगर पास्ट में तो रेशियो 11:14 है, लेकिन प्रेजेंट में कितने, प्रेजेंट में नहीं दे रखा, तो प्रेजेंट में एक बॉक्स बना ले, इसमें रेशियो आ जाएगा दोनों का, लेकिन हमें फ्यूचर का दे रखा है। फ्यूचर का दे रखा कितना दे रखा है, समझ पाओगे इस बात को? तो आप देख पा रहे हो 13:16 दे रखा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ से 4 साल पीछे चला गया, ठीक है, और यहाँ से 4 साल ये आ गया। तो अब हमें बताना है कि ए की वर्तमान एज कितनी है। तो आप कह सकते हो कि 4 साल पहले चला गया, 4 साल बाद, तो आप कह सकते हो अच्छा एक चीज़ हो, डिफरेंस चेक करो। सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे तो 14:11 का डिफरेंस 3 आता है, 16:13 का डिफरेंस भी 3 आता, तो डिफरेंस सेम है, तो अब हमें सेम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 4 साल समान पूछा गया है, तो समान होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ कि 11 से जब वर्तमान में, तो 4 साल यहाँ लगेंगे, यानी 4 साल यहाँ लगेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे फिर 4 साल लगे, तो टोटल कितने साल लग गए? टोटल 8 साल लग गए। कितने साल लग गए? 8 साल। लेकिन परिवर्तन कितने का आया? 11 से 13 हो गया, कितने परिवर्तन? 2 यूनिट का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 यूनिट किसके बराबर होगी? 2 यूनिट का परिवर्तन कब आया? 8 वर्ष में आ गया। समझ पा रहे इस बात को? तो एक का कितने में आएगा? 4 वर्ष में। तो कहने का मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके? 4 वर्ष। और हमें बतानी है ए की वर्तमान एज, तो ए की ये निकाल लें, तो ये 4 गुणा कर लेती है आपकी 44 हो जाएगी, 44 हो जाएगी, 4 साल बाद चलेंगे तो ये आपकी 48 हो जाएगी, क्योंकि 4 साल और ऐड कर देंगे तो आपकी वर्तमान एज आ जाएगी। समझ पाए इस क्वेश्चन को? बहुत ही, मैंने आपको पहले बता दिया कि इस कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, सारे के सारे। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे किसी का क्वेश्चन हो, एज से रिलेटेड है, तो इजिली सिर्फ एक कंसेप्ट आपके सामने चल रहा है, यही लगाऊंगा बार बार हर क्वेश्चन। चलिए कुछ आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हर्षा की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की 60 वर्ष है, कितने साल पहले इनके आयु का अनुपात 3:5 होगा, ये रेशियो। ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन मेथड से हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी होते हैं, ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं। अब हमें 40 दे रखा है, 60 दे रखा है, रेशियो ये बनाना है, तो सिंपली आप 10 साल ऐड करके देखो, 10 साल ऐड करोगे कितना आएगा, ठीक है। सॉरी 10 साल ऐड क्या करना, माइनस कर, क्योंकि पहले पूछा ना, तो माइनस कर देंगे 10 साल, तो ये 30 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो 3:5 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए कि राम और श्याम की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 दे रखा है आपको। राम 6 साल बड़ा है, राम क्या है 6 साल बड़ा है, कहने का मतलब दोनों को आयु का डिफरेंस क्या है, 6 साल है। तो शाम से तो 6 साल बाद दोनों को आयु का रेशियो अपने से पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो हमें यहाँ पर राम मैंने लिखा, राम और ये श्याम हो गया, ठीक है। राम और श्याम के जो वर्तमान आयु है, तो आप कहोगे सर वर्तमान आयु कितनी है, 2:3 है। समझ पा रहे हो इस बात को? यानी ये प्रेजेंट हो गई, तो मैंने प्रेजेंट लिख दिया। अब 6 साल बड़े का मतलब है कि दोनों को जो आयु का डिफरेंस 6 साल है, तो डिफरेंस कितने, आप कहोगे सर डिफरेंस तो यहाँ पर 1 यूनिट का, लेकिन है कितना एक्चुअल में 6 है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पर भी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 से गुणा कर दें तो 12 वर्ष आ जाएगी। समझ पा रहे हो? ये इसको भी 6 से मल्टीपल कर दें तो 6 18 वर्ष, यानी 1 की 12 वर्ष आ गई, 1 की 18 वर्ष आ गई। समझ पा रहे हो? ठीक है, करंट एज निकाल ली, 12 वर्ष 18 वर्ष, रेशियो में बताना, तो रेशियो लिख दिया। अब क्या बताना है कि 6 साल बाद बताओ, तो 6 साल इसमें ऐड कर दो, 6 साल इसमें ऐड कर दो, तो 24, तो ये आपका 6 3 18 और 6 4 24, तो 3:4 आपका फाइनली जो रेशियो पूछा था 6 साल बाद आपका आंसर आएगा। समझ पाए इस बात को? काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मैंने कहा बेसिक से एडवांस चलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता चलूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 14 लड़कियां हैं और एक अध्यापक है, दोनों की जो औसत आयु दर के 15 वर्ष, अगर अध्यापक को कम कर दें तो औसत में एक औसत आयु में 1 वर्ष का डिफरेंस हो जाता है, 1 वर्ष कम हो जाती है, लिखा गया स्पष्ट रूप से, औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, लिखा नहीं गया, औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, कम लिख लो, कम हो जाता है। तो अब अध्यापक की आयु बताने, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, किसमें, एवरेज के अंदर, एवरेज से रिलेटेड था, लेकिन इसमें भी मैं करवाने वाला हूँ, सिंपल मेथड मैंने एवरेज में सिखाया है, वही इसमें करवाने वाला हूँ। कि अपने को पता है कि 14 लड़कियाँ हैं प्लस में एक अध्यापक है, और दोनों का कितना है,
15 वर्ष है, जब अध्यापकों को कम कर देंगे तो यहाँ पर जो लड़कियों की बचेगा औसत वो कितना बचेगा, वो 14 वर्ष ही तो बचेगा। समझ पा रहे हो इस बात को, ये इससे कितना कम है, ये इससे -1 कम है, लेकिन लड़की कितनी 14 है, यानी -14 आ गया। अब जब इसकी निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसको इस ट्रांसफ़र कर दोगे, +14 यानी 29 वर्ष इस टीचर की आयु आ जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को। ये चीज़ें मैंने एवरेज के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, तो एवरेज वाली वीडियो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, मैंने उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर आपको समझाया था, और सिंपल है ये भी, आपको समझ में आ गया होगा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और एज से रिलेटेड आगे के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, एज के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, जो अगर NTPC से रिलेटेड अगर है वो आने वाला है TCS पैटर्न के ऊपर, तो मैं सारे टाइप के आपको क्वेश्चन एज के करवाने वाला हूँ, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर उधर से भागने की नोट गाइड है पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कहाँ से पढ़े, सिंपली आप रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन एज के लगाने हैं या मैथ्स के अंदर लगाने हैं वो सारे मैं आपके लगवा दूंगा, बस आप देखते रहे कंटिन्यू वीडियो जब एज के बनते जाएंगे। तो आज का फर्स्ट वीडियो था, आप मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए, उम्मीद करता हूँ जो मैंने कंसेप्ट लेके चला वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये आपको बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसके अंदर, सब्सक्राइब करें इस चैनल को जो नए बच्चे हैं, और अपने ग्रुप में भी इसको शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।